शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम के पास आया तो उसने उन्हें कहा, अपने रब के हुक्म कबूल करो, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते की आंख पर थप्पड़ मारा और उसे फोड़ दिया। फरमाया, वो फरिश्ता अल्लाह के पास वापस चला गया और अर्ज किया, तूने मुझे अपने एक ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता और उसने मेरी आंख भी फोड़ दी है। फरमाया, अल्लाह ने उसकी आंख उसे लौटा दी और फरमाया, मेरे बंदे के पास दोबारा जाओ और उससे कहो, तुम जिंदगी चाहते हो, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो अपना हाथ बैल की कमर पर रखो और जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आ जाएंगे तुम उतने साल जिंदा रहोगे। फरमाया, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर तुम मर जाओगे। फरमाया, फिर अब इसी हालत में रूह कब्ज कर लो। और अर्ज किया, रब जी मुझे अर्ज मुकद्दस बैतुल मक़द्दस के इतना करीब कर दे कि अगर कोई पत्थर फेंकने वाला फेंके तो वो वहां बैतुल मक़द्दस तक पहुंच सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मैं उस बैतुल मक़द्दस के पास होता तो मैं सुर्ख टीले के पास रास्ते के एक जानिब तुम्हें उनकी कब्र दिखाता। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें इन अहादीस मुबारका पर अमल करने और अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाएं।